बांग्लादेश में 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का जो मैच है उसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं और ये मुकाबला जो है 6 अक्टूबर को खेला जाएगा। कुछ क्रिकेट फैन ये भी कह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान का मैच 2 अक्टूबर को कराना चाहिए था क्योंकि उस दिन गांधी जयंती है। T20 वर्ल्ड कप का सबसे पहला मैच है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में। ICC ने जो है रविवार को जारी वर्ल्ड कप शेड्यूल में ये पूरी जानकारी दे दी है और टूर्नामेंट में टोटल 10 टीमें होंगी और इन्हें 5-5 के 2 ग्रुपों में बांटा गया है। ICC ने बांग्लादेश में होने वाले आगामी महिला T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल और ग्रुप्स का ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट में भारत के सामने कड़ी चुनौती रहेगी क्योंकि उसके ग्रुप में जो है डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमें रहेंगी। इसी ग्रुप में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान भी है। दूसरे ग्रुप यानी ग्रुप बी में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और मेजबान बांग्लादेश को रखा गया है। वर्ल्ड कप 3 अक्टूबर से जो है बांग्लादेश में खेला जाएगा। भारतीय टीम अपना पहला मैच 4 अक्टूबर को न्यूजीलैंड में खेलेगी। हर ग्रुप की टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। पहला सेमीफाइनल 17 अक्टूबर को सिलहट और दूसरा सेमीफाइनल 18 अक्टूबर को ढाका में खेला जाएगा। इसके बाद 20 अक्टूबर को फाइनल जो है ढाका में भी खेला जाएगा। सभी नॉकआउट मुकाबले शाम को खेले जाएंगे। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक प्रैक्टिस मैच खेले जाएंगे।